नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का दिसंबर माह का जो करंट अफेयर है 2019 का, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा IMP आपके एग्जाम के लिए होंगे। और आपको बता देते हैं IMP इफेक्टिव इनके साथ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका पूरा जो करंट अफेयर यहाँ से कवर होता चले। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही आपको नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल ग्रुप दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको देखिए MP पुलिस और MPPSC के लिए स्पेशल ग्रुप मिल जाएगा। उसके साथ में हमारा जो रॉयल स्टडी का जो चैनल है उसका, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ में करेंट अफेयर का जो आपका स्पेशल चैनल है उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर करेंट की अपडेट आपको मिलती रहती है। और आप RRB NTPC ग्रुप डी का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड डेटा आएगा वहाँ से वो आपको मिल जाएगा। अब आपको बता देते हैं हम टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं दिसंबर 2019 से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्टार्टअप के लिए 2 दिवसीय जो कि हेकाथान 2.0 वर्कशॉप का शुभारम्भ कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, अभी हाल ही में हुआ है, स्टार्टअप के लिए हुआ है 2 दिवसीय हेकाथान जो 2.0 वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भोपाल। भोपाल में ये हुआ है, 2 दिवसीय हुआ है हेकाथान 2.0 वर्कशॉप, आप जरूर से याद रखिएगा। भोपाल में इसका शुभारंभ हुआ है और इसके बारे में हम IMP फैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता देते हैं, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको ऐसे ही वीडियोस से रिलेटेड मिलते रहते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ में लाइक नहीं किए वीडियो को तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल आपको दे, तो देखिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जो है मध्य प्रदेश शासन में जयवर्धन सिंह, और जनसंपर्क और तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी जो मंत्री है PC शर्मा ने 30 नवम्बर 2019 को होटल नूर उस सभा में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इक्वेशन सेंटर बिनेस्ट में स्टार्टअप के लिए 2 दिवसीय हेकाथान जो वर्कशॉप है इसका शुभारंभ इन्होंने किया है। अब इन किन्ने किया है? तो ये आपके जयवर्धन सिंह और आपके PC शर्मा दोनों ने इसका शुभारंभ किया है 30 नवंबर 2019 को। अब इस जो वर्कशॉप का जो समापन हुआ है वो 1 दिसंबर 2019 को हुआ है, यानी होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, बट हम इसको बाद में डिस्कस कर रहे थे। 1 दिसंबर 2019 को इसका जो कि समापन हुआ है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। IUF की आपको बता देते हैं, MPSI और कॉन्स्टेबल की स्पेशल तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 40% का उस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप हमारे कूपन कोड को यूज करेंगे RYJG40 को, तो 40% का पूरा डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एग्री स्टार्टअप्स रोल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को इन ऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया के विषय पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कहाँ पर इसका जो कार्य जो कि कार्य जो शाला है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? और इसका जो आयोजन किया गया भोपाल, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और इसके बारे में आपको दे देते, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री जो है सचिन यादव, इनकी अध्यक्षता में 4 दिसंबर 2019 को RCVP नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। और इस कार्यशाला का जो विषय था वो एग्री स्टार्टअप्स रोल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को जो कि ऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया था। तो इसका विषय भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ जाए, ये आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, तो यहाँ से आप आसानी से याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, काठमांडू नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई खेल सेफ गेम्स में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? कहां पर होगा ये? काठमांडू नेपाल में आयोजित होगा दक्षिण एशियाई खेल, ओके, सेफ जो कि गेम्स, और मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी जो है भारतीय टीम का इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सुनील डाबर, डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। सुनील डाबर जो है इसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा, जो कि नेपाल काठमांडू में होगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के प्रतिभावान जो खिलाड़ी है सुनील डाबर, काठमांडू नेपाल में 1 से 10 दिसंबर तक ये खेला जाएगा, 2019 तक खेला गया है, जो कि और दक्षिण एशियाई खेल जिसको सेफ गेम्स के नाम से जाना जाता है, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, और यहाँ पे इन्होंने किया है सुनील डाबर ने। अब सुनील जो डाबर है ये मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी है जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, तो इनसे आपके 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप जरूर से कन्फर्म कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में उज्ज्वला योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट स्कॉच अवार्ड से किस जो कि किस जिला प्रशासन को पुरस्कृत किया गया है? कौन सी योजना, कौन सा आपका अवार्ड है? ये अवार्ड है आपका ऑर्डर ऑफ मेरिट स्कॉच अवार्ड। किसके लिए? उज्ज्वला योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार यानी प्रदान किया गया है। और किसको ये दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आपका उज्जैन को मिला है। उज्जैन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार जो है दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो कि 29 दिसंबर 2019 को प्राप्त किया है। और ये जो मिला है उज्जैन को मिला है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ठक्कर बापा यानी बापा बाबा जयंती पर आदिवासी मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? अब देखिए, ठक्कर जो बापा बाबा जयंती पर जो आदिवासी मेले का जो आयोजन किया गया, ये इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डिंडोरी। डिंडोरी में इसका आयोजन किया गया। और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह जो मरकाम है, इन्होंने 30 नवंबर 2019 को डिंडोरी जिले की बजाग जनपद जनपद के जो ग्राम बोधरा में ठक्कर बापा जयंती पर आयोजित आदिवासी मेले में जो कि शामिल हुए थे। तो ये इतना ज़्यादा आई भी नहीं, बट थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में भोपाल में नन्ही खुशियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे के एक दिन की पूरी खुशी टूर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ। कमलनाथ जी के द्वारा ये किया गया है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 30 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री निवास पहुँचे गरीब और अनाथ बच्चों से मुलाकात की और नन्ही खुशियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के एक दिन की पूरी खुशियाँ टूर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना भी किया। अगला क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जाति के छात्रवास है इनमें आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि के संबंध में क्या सत्य है? यानी कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी कथन सत्य। यानी अनुसूचित जाति के छात्रवासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में जो वृद्धि है 1 जुलाई 2019 से की गई है। अब वर्ष 2019-20 में छात्रों के लिए 1230 रुपये और छात्राओं के लिए 1270 रुपये प्रति माह शिष्यवृत्ति दे होगी। वर्ष 2018 में छात्रों को 1140 तथा छात्राओं को 1180 रुपये जो शिष्यवृत्ति प्रदान की जा रही थी। तो ये जो उपरोक्त सभी कथन ये आपके सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में किस राज्य को अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ सोटो या राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संस्था सम्मान प्रदान किया गया है? अब ये जो किसे मिला है, ये मिला है मध्य प्रदेश को। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में दिए गए अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ सोटो जो है सम्मान प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने मध्य प्रदेश को अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जो सोटो जो सम्मान है ये प्रदान किया है। राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान को यहाँ पर दिया जाता है। और 10वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर यह जो पुरस्कार है 2019-20 में मृतकों के अंगदान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। भारतीय अंगदान दिवस जो मनाया जाता है 27 नवंबर को मनाया जाता है। और ये भी आप याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस पर समुदाय लाते हैं बदलाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? और इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया भोपाल में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए, विश्व एड्स दिवस के मौके पर 1 दिसंबर 2019 को भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा होटल पलाश में समुदाय लाते हैं बदलाव विषय पर संगोष्ठी हुई थी और इसमें एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1 दिसंबर 2019 को भोपाल में ये हुआ था, ये भी आप जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा प्रेरणा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अब देखिए, दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है प्रेरणा उत्सव। और इसका जो आयोजन किया गया है कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल आपको दे, तो भोपाल में दैनिक भास्कर समूह के जो चेयरमैन हैं जो कि अभी इनका देहांत हुआ है, रमेश चंद्र अग्रवाल, स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के 75वें जन्मदिन यानी 75वें जन्मदिन पर 2 दिवसीय प्रेरणा उत्सव का आयोजन हुआ है।
शुभारंभ मौके पर 30 नवंबर 2019 को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि भी थे। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, भोपाल शहर में को रन जो कि रन भोपाल रन दौड़ का आयोजन कब किया गया, और यहाँ पे देखिए भोपाल रन का जो आयोजन किया गया दौड़ का, ये जो आयोजन किया गया है आपका 1 दिसंबर 2019 को किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 दिसंबर 2019 इज राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल कर आता है। और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रन भोपाल रन के तहत 1 नवंबर 2019 को 21 किलोमीटर 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन होगा। यानी ये हुआ है 21 किलोमीटर 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन हुआ है और जिसका समापन टीटी नगर स्टेडियम में होगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने अभ्यारण्यों के गठन की कार्यवाही शुरू हो गई है? अब मध्य प्रदेश में जो कि यहाँ पर अगर अभ्यारण्यों के गठन की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा टोटल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 10 जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में इनके गठन की जो कार्यवाही है शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। थोड़ी सी डिटेल भी यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 10 नए अभ्यारण्यों के गठन की कार्यवाही शुरू हो गई है और वन सचिवालय के ने ओमकारेश्वर माधव राव सिंधिया अभ्यारण्य, श्योपुर सरदारपुर वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य, सीहोर महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर के प्रस्ताव जो कि प्रशासकीय मंजूरी के लिए वन मंत्री उमंग सिंगार को भेज दिए हैं। अब ये जो अभ्यारण्य है इनको आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश में 11 अभ्यारण्य प्रस्तावित किए गए थे, इनमें से छिंदवाड़ा अभ्यारण्य के गठन की मनाही हो गई है। यानी छिंदवाड़ा जो अभ्यारण्य इसके गठन की मनाही हो गई है, यानी छिंदवाड़ा के लोगों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने अभ्यारण्य के गठन पर रोक लगाई है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, काफ़ी आईएमपी है सभी। ग्वालियर में तानसेन समारोह 2019 कब से कब तक आयोजित किया गया, और यहाँ पे ये जो आयोजित किया गया इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 16 से 21 दिसंबर 2019 तक ये आयोजित किया गया। तानसेन समारोह जो कि 16 से 21 दिसंबर 2019 याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर इसका निकल कर आता है। ग्वालियर का विख्यात तानसेन संगीत समारोह इस वर्ष 16 से 21 दिसंबर 2019 तक आयोजित होगा, यानी हुआ है ये। और 6 दिवसीय समारोह का शुभारंभ पूर्व रंग जो गमन कार्यक्रम के से जो कि इंटक जो मैदान में होगा और इसमें देश के सुविख्यात संगीतकार प्रस्तुति देंगे। तानसेन संगान जो सम्मान है 2018 का मंजू मेहता को दिया गया, सितार वादा किए हैं और अहमदाबाद की ये है। चीज़ें याद है, याद रखना है आपको, काफ़ी आई एम पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है भाई, हाल ही में आकांक्षा सिन्हा मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2019 चुनी गई, वहाँ मध्य प्रदेश वहाँ किस जिले की है और निवासी है, मध्य प्रदेश के किस जिले की है ये आपको बताना है। तो ये शिवपुरी की है, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है इसके अंतर्गत ये आती है। और अभी हाल ही में इन्होंने आकांक्षा जो सिन्हा है मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2019 चुनी गई है। नाम आपको इनका याद रखना है, आकांक्षा सिन्हा। और इंडियन जो कि फैशन फिएस्टा द्वारा जरकाता में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल समारोह 2019 का आयोजन किया गया। आकांक्षा सिन्हा हाल ही में 24 नवंबर को कुआलालपुरम जो मलेशिया के अंतर्गत आता है में आयोजित एक इवेंट के दौरान यूरी फॉर मिसेज फेवोलोज मलेशिया में भी विजेता यहां पे ये रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 का आयोजन कब से कब तक जो कि किया गया, और इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया आपका 17 से 23 दिसंबर 2019 तक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 का जो आयोजन हुआ है 17 से 23 दिसंबर तक हुआ है। अब विश्वविख्यात खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 आगामी 17 से 23 दिसंबर खजुराहो में होने जा रहा है। और खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के राजा बुंदेला विगत 6 वर्षों से लगातार इसका आयोजन कराते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन इसका आयोजन कराते आ रहे हैं, राजा बुंदेला जो है विगत 6 वर्षों से इसका जो लगातार आयोजन कराते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला कौन सा नगर निगम जिसने प्रत्येक मकान को यूनिक आईडी वाला डिजिटल डोर नंबर DDN दिया जाएगा, और मध्य प्रदेश का कौन सा पहला नगर निगम है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंदौर नगर निगम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका निकल कर आता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश का पहला कौन सा नगर निगम है जिसने प्रत्येक मकान को यूनिक आईडी वाला डिजिटल डोर DNA जो कि यहाँ पे DDN दिया जाएगा। इसमें हर मकान जो है जियो टैगिंग होंगी। विविध सरकारी विभाग जैसे किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा DDN के जरिए सीधे उस जगह पहुँचा जा सकेगा, और इसके साथ में मकान की प्लेट का पर QR कोड भी रहेंगे।
आपकी गली में सफाई हुई है या नहीं हुई है, आप मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर नगर निगम को जानकारी दे सकेंगे। तो ये जो सभी चीज़ें हैं यहाँ से इसकी सुविधा उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अभी तक कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 14,36,000। टोटल जो आपके लाभान्वित है, हितग्राही है, इनको लाभान्वित किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। देखिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है 8,53,000 लक्ष्य के विरुद्ध 14,36,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। महिला बाल विकास जो मंत्री है मध्य प्रदेश की इमरती देवी ने 2 दिसंबर 2019 को भोपाल में मातृ वंदना योजना सप्ताह का शुभारंभ करते हुए राज्य स्तरीय समारोह में मातृ वंदना योजना का प्रचार रथ रवाना किया। अब मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में अव्वल है, और जो कि अव्वल मंत्री श्रीमती इमरती देवी हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 2 से 8 दिसंबर 2019 तक चलने वाले विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? ये जो मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मनाया जा रहा है विशेष सप्ताह 2 से 8 दिसंबर 2019 तक। मध्य प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 2.0 का पहला चरण कब से कब तक चलाया जा रहा है? और इसका जो पहला चरण चलाया जा रहा है वो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलाया गया है। मध्य प्रदेश में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण 2.0 जो है 2 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावटे, इन्होंने 2 दिसंबर 2019 को इंदौर से यहाँ पे इन्होंने मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है तुलसीराम सिलावट, इनके द्वारा ये किया गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से किस नगर जो कि पालिका परिषद को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से किस नगर पालिका परिषद को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बड़नगर। ये जो आता है आपका उज्जैन के अंतर्गत आता है, याद रखना है सभी को, बड़नगर जो आता है उज्जैन के अंतर्गत आता है, जिसको यहाँ पे मिला है। बड़नगर के समस्त शासकीय कार्यालयों में दिव्यांग को सुविधा का अंबार लगाया, जिससे वह अपना कार्य आसानी से कर सके। उसी को लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू एवं श्री थावरचंद जो गहलोत है द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार इनको दिया गया। बड़नगर जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित एक नगर पालिका। बड़नगर नगर पालिका के CMO जो है वो है कुलदीप किनसुक, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। दिव्यांगों के लिए पुनर्वास कार्य करने में मध्य प्रदेश कौन सा जिला पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ रहा है? और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला इसमें सर्वश्रेष्ठ रहा है? वो है आपका उज्जैन जिला, जो कि दिव्यांगों के लिए पुनर्वास कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे रहा है पूरे देश में। अब दिव्यांगों के लिए पुनर्वास कार्य के लिए कार्य करने में उज्जैन ने बाजी यहाँ पे मारी है, और जिला पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ रहा है। 3 दिसंबर 2019 को केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित समारोह में उज्जैन जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान यहाँ पे किया गया है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अद्वैत उत्सव का आयोजन किया जाएगा? और ये जो किया गया है किस विश्वविद्यालय में किया गया? डॉक्टर हरि सिंह जो गौर विश्वविद्यालय सागर में आता है, ये इसमें यहाँ पर अद्वैत उत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्र स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी को कितनी राशि प्रोत्साहन जो कि राशि यहाँ पर दी जाएगी? और इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 1,00,000 रुपये। यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्र स्तर पर पदक जो भी विजेता प्राप्त करता है उसको 1,00,000 रुपये की राशि यहाँ पर प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी और खेल संघों के अनुदान और पुरस्कार की राशि में कई गुना और वृद्धि की गई है। राष्ट्र स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी को मिलने वाली राशि 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश का पहला निजी वेटनरी कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? और यहाँ पे जो पहला निजी वेटनरी कॉलेज जो खोला जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंदौर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इंदौर में पहला निजी वेटनरी जो कि कॉलेज खोला जाएगा। प्राइवेट वेटनरी कॉलेज जो आपका होगा मध्य प्रदेश का पहला निजी वेटनरी कॉलेज इंदौर में खोलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा को व बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एम शिक्षा मित्र ऐप के जरिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य किया जाएगा। यानी एम शिक्षा मित्र जो ऐप है इसके जरिए ई अटेंडेंस भी यहाँ पे की जाएगी, ताकि स्कूलों में जो शिक्षक है और बच्चों की उपस्थिति इसमें दर्ज कराई जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1 जनवरी 2020, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
स्कूल शिक्षा विभाग जनवरी 2020 से स्कूलों में शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एम शिक्षा मित्र ऐप के जरिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य करने जा रहा है। और ये कब से करने जा रहा है, इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता चुके हैं। इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2020 रहेगा। 1 जनवरी 2020 से इसको अनिवार्य करने जा रहा है। और डॉक्टर प्रभुराम जो चौधरी है स्कूल शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वृत्तचित्र समारोह का आयोजन कहाँ किया, जो कि आयोजन कहाँ किया गया और इसका जो आयोजन किया गया वो आपका उज्जैन में किया गया है। वृत्तचित्र समारोह का आयोजन जो कि उज्जैन में आपका हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर इसका निकल कर आता है। और शायर फिराक गोरखपुरी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित वृत्तचित्र फिराक गोरखपुरी फिल्म के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय वृत्तचित्र समारोह का आयोजन 4 दिसंबर 2019 को यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांगता दिवस पर मध्य प्रदेश के एकमात्र दिव्यांग नायब तहसीलदार राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार सम्मानित किए गए, उनका नाम क्या है। इनका जो नाम है वो है आपका रजत सोनी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एकमात्र दिव्यांग नायब तहसीलदार है, राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, रजत सोनी, याद रखिए इनका नाम जरूर से। विश्व दिव्यांगता जो दिवस है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर 2019 को यहाँ पे मनाया जाता है। और को इस दिन जो है मध्य प्रदेश के एकमात्र दिव्यांग सागर के नायब तहसीलदार है ये रजत सोनी, इनको राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 3 दिसंबर 2019, इनको जरूर से आप याद रखिए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी प्रदान की है, जो निम्न में से कौन से जगह स्वीकृत किए गए हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की यहाँ पर मंजूरी दी है और ये कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए यहाँ पे एक तो श्योपुर में आपके खोले जाएंगे, उसके साथ में नीमच जो है यहाँ पे भी खोला जाएगा एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल आपका मंदसौर में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज, और आपका जो फोर्थ नंबर का यानी चौथा जो मेडिकल कॉलेज होगा वो राजगढ़ में खोला जाएगा, पाँचवा जो मेडिकल कॉलेज होगा मंडला में खोला जाएगा। यानी 5 टोटल मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में, पहला श्योपुर, दूसरा आपका नीमच, तीसरा मंदसौर, चौथा आपका राजगढ़ में होगा और पांचवा आपका मंडला में होगा। ये 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खोलने की मंजूरी यहाँ पे दे दी है सरकार ने, तो इसको भी आप याद जरूर से रखिएगा, काफ़ी आईएमपी है। और ये जो मेडिकल कॉलेज है जिला अस्पतालों के अटैच कर खोले जाएंगे और इससे प्रदेश के डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन आता है, भोपाल के शासकीय मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तक मेले 2019 का उद्घाटन किसने किया है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया है। अब डॉक्टर जो कि अगर हम बात करें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 4 दिसंबर को ये किया है 2019 को शासकीय मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय भोपाल में पुस्तक मेले मेला जो है 2019 का इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। शासकीय मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय 2019 जो कि यहाँ पर इन्होंने पुस्तकालय सन 1955 से निरंतर सुबह 8 बजे से रात, यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी आईएमपी नहीं है। अभी हाल ही में विमोचित डिसरोबिंग जो आप द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे डिसरोबिंग ऑफ द द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के जो लेखक है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी एंटोनी डिसा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर होम्योपैथी सबसे कारगर चिकित्सा पद्धति विषय पर होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन इंदौर में किया गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दूसरी बार मक्का महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है। और यहाँ पर ये क्यों किया गया, छिंदवाड़ा में किया गया मक्का महोत्सव का आयोजन, दूसरी बार ये हुआ है और इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका 15 से 16 दिसंबर 2019 को, तो ये भी आप जरूर से याद रखिएगा, दूसरा मक्का महोत्सव था जो कि छिंदवाड़ा में आयोजित हुआ। आदिवासियों की संस्कृति और उनके देव स्थलों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। अब ये जो योजना है वो है आपकी, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अष्टान योजना। ये जो योजना है आदिवासियों की संस्कृति और उनके देव स्थलों का संरक्षण प्रदान करेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में पन्ना जो कि 10 ईयर्स पन्ना T3 वो कब से कब तक मनाया जाए, जो जो यहाँ पर जा रहा है और इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 20 से 26 दिसंबर तक ये मनाया गया है। यानी पन्ना 10 ईयर्स पन्ना T3 वो कब से कब तक मनाया गया और ये 20 से 26 दिसंबर तक मनाया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ कब कहाँ किया गया है, यानी कब इसका जो है शुभारंभ किया गया
और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना का। नेपाल में खेले जा रहे 13वें साउथ एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सुनील दावर ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता है? और देखिए नेपाल के काठमांडू में ये खेला जा रहा है और इसमें जो है सुनील दावर ने कौन सा पदक जीता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइफल और पिस्टल के लिए जो प्रतियोगिता खेली जा रही और इसका जो आयोजन किया गया है कहाँ पर किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भोपाल के समीप गोरा गांव जो है यहाँ पर ये राष्ट्रीय शूटिंग जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया जा रहा है, तो भोपाल के समीप ये आपका गोरा गांव ये आपका करेक्ट आंसर है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच कंप्यूटर के सेवाओं के मामले में देश का कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है इंदौर को, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला जी, इंदौर का हाईकोर्ट बेंच जो है कंप्यूटर के सेवाओं के मामले में देश में पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त इसने किया है। और यहाँ पे अगर देखिए हाई कोर्ट जो है आपका जबलपुर में और यहाँ पे ये खंडपीठ है आपकी इंदौर और ग्वालियर में, ये भी आप जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने अभी हाल ही में नागरिकों की सुविधाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है MP कॉप ऐप लॉन्च किया गया है, तो MP ई कॉप ऐप आप याद रखिए जरूर से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा MP ई कॉप ऐप। ये जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने नागरिकों की सुविधाओं के लिए ये जो मोबाइल ऐप है लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओमकारेश्वर के विकास के लिए तैयार की गई रुपए की कार्य योजना कितनी को मंजूरी दी गई है? तो कितने रुपए की कार्य योजना को यहाँ पे मंजूरी दी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 156 करोड़ रुपए, यानी ओमकारेश्वर के विकास के लिए जो तैयार की गई है योजना इसमें कितने रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी गई, तो 156 करोड़ रुपये की कार्य योजना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद का वितरण अनुपात क्रमशः सहकारी तथा निजी क्षेत्र में करने का निर्णय लिया गया है, तो देखिए क्या रेशियो में यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 80 के और 20 के रेशियो में, यानी 80 और 20 के रेशियो में यहाँ पे इसका जो कि सहकारी और निजी क्षेत्र में करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य की जो कालाबाजारी है इससे रोकी जाएगी ताकि वितरण जो है इसका अनुपात जो है सहकारी में 80 के अनुपात में और यहाँ पे निजी जो क्षेत्र है इसके 20 का और 80 के रेशियो में इसको लिया गया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में अवंती मेगा फूड पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? अवंती जो मेगा फूड पार्क है इसका जो शुभारंभ किया गया ये किया गया आपका देवास में, देवास इसका करेक्ट आंसर रहेगा, देवास में अवंती मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। अभी हाल ही में किस जिले में कई साल प्राचीन देव प्रतिमा एंशियंट गॉड स्टेट्यू है यहाँ पे मिली है, तो ये पे देखिए प्राचीन देव प्रतिमा मिली है और कौन से जिले में कई साल पुरानी ये मिली है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्वालियर, ग्वालियर जिले में ये मिली है, कई साल पुरानी देव पुरानी है ये देव प्रतिमा, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है ग्वालियर, इसका करेक्ट आंसर इसका निकल कर आता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओशो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? अब किस शहर में किया जाएगा, देश में पहली बार इसका आयोजन होगा अंतर्राष्ट्रीय ओशो महोत्सव का, और मोस्ट IMP क्वेश्चन है क्योंकि देश में पहली बार होगा, पूरे देश में पहली बार ये होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओशो महोत्सव का आयोजन, जो कि मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा ये आपको क्लिक करना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जबलपुर, और ये जो ओशो है ये आपके जबलपुर से ही है, तो इनको भी आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ही होने जा रहा है, तो ये आप जरूर से याद रखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेटा के आधार पर मध्य प्रदेश से कौन से थानों का चयन किया गया है? और मध्य प्रदेश से यहाँ पे थानों का जो चयन किया गया है वो थाने हैं आपके बुरहानपुर जिले के अजाक थाने को और श्योपुर जिले के बरगवां थाने को, यानी उपरोक्त तो जो दोनों थाने हैं इन दोनों थानों का यहाँ पर चयन किया गया है CCTNS जो कि ये सिस्टम है इसके आधार पर, तो ये भी आप याद रखिए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की स्कूलों में राज्य स्तरीय कॉपी चेकिंग अभियान कब चला है जो कि गया है? तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका कॉपी चेकिंग अभियान जो चलाया गया है वो आपका 6 दिसंबर 2019 को चलाया गया है मध्य प्रदेश के स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित दरगाह पर सहनशाह ए मालवा हजरत पीर फतेहउल्लाह साहब का 798वां वार्षिक 3 दिवसीय उर्स प्रारंभ हुआ है? और ये जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपका रायसेन में हुआ है सहनशाह मालवा हजरत पीर फतेहउल्लाह साहब का 798वां वार्षिक 3 दिवसीय उर्स, तो रायसेन इस करेक्ट आंसर इसका निकल कर आता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश मठ मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए?
मठ मंदिर मंदिर जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका स्वामी सुबोधानंद जी। स्वामी सुबोधानंद जी को यहाँ पे मठ मंदिर जो समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर इसका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाट्य समारोह 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? और अगर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाट्य समारोह 2019 की, तो इसका जो आयोजन है उज्जैन में किया जा रहा है, तो उज्जैन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान का जो द्वितीय चरण है कब से कब तक चलाया जाएगा? देखिए पहला चरण इसका जो चलाया गया है यहाँ पे वो पूरा भी कंप्लीट हो गया, और दूसरा चरण इसका द्वितीय चरण चलाया जा रहा है, और ये कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इसका जो चलाया जाएगा 17 दिसंबर 2019 से 18 जनवरी 2020 तक ये चलाया जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ग्वालियर में स्काई आर्ट 2019 विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? और ग्वालियर में किया जाएगा ये किसके द्वारा? एमिटी यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा ये किया जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भोपाल में बोझ वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट 2019 का आयोजन कब किया गया? और भोपाल में किया गया है बोझ वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट 2019 का आयोजन, इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 8 दिसंबर 2019 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में मध्य प्रदेश डिजाइन उत्सव मोजेक 2019 MPDU का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका आयोजन आपका 19 से 21 दिसंबर 2019 तक किया गया है। डिजाइन उत्सव मोजेक 2019 MPDU जिसको बोला जाता है, इसका जो आयोजन है 19 से 21 दिसंबर 2019 तक किया गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पहला बर्तन थैला बैंक कहाँ खोला जाएगा? यानी बर्तन जो थैला बैंक होगा कहाँ पर खोला जाएगा? मध्य प्रदेश का पहला होगा ये, और अभी हाल ही में खोला गया है यहाँ पर, कहाँ पर खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का पहला बर्तन थैला जो बैंक है वो छिंदवाड़ा में खोला गया, छिंदवाड़ा इस करेक्ट आंसर इसका निकल कर आता है। मध्य प्रदेश के जेलों में कैदियों को मिलने वाली राशि 45 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी जाएगी? यानी जेलों में जो भी कैदी रहते हैं उनको पहले 45 रुपये राशि मिलती थी प्रतिदिन के हिसाब से, वो राशि अब बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 48 रुपये। यानी पहले 45 रुपये मिलती थी, अब 3 रुपये और बढ़ा दिए गए, अब टोटल 48 रुपये उनको एक दिन की राशि दी जाएगी। यानी जो भी जेल में जो भी कैदी रहते हैं उनको एक दिन में जो राशि मिलती थी काम के बदले में, वो 45 रुपये से 48 रुपये अब कर दी गई है। क्लियर है चीज़ें, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के बड़े तालाब पर सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन का शुभारंभ कब किया है? और इसका जो आयोजन इन्होंने किया है 10 दिसंबर 2019 को किया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन का शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है, बड़े तालाब में किया है भोपाल के, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 और 19 में रेप के कितने मामलों में दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई है? यानी 2018 और 19 के में जो भी रेप हुए मध्य प्रदेश में उनके कितने दोषियों को यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई है? 2018-19 की यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें जो फांसी की अगर बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 28। 28 दोषियों को यहाँ पर फांसी दी गई है रेप के मामले में 2018-19 में, तो दोनों को याद रखिएगा, 28 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होकर आता है। मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों में प्रतिभा पर्व 2019 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका जो आयोजन किया जाएगा वो आपका 12 से 14 दिसंबर 2019 तक किया गया, तो ये भी आप याद रखिए। राष्ट्रीय बालरंग उत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और यहाँ पर देखिए अगर बालरंग राष्ट्रीय बालरंग उत्सव 2019 की अगर हम बात करें तो इसका जो आयोजन है भोपाल में किया जाएगा, तो भोपाल इस करेक्ट आंसर इसका भी निकल कर आता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है उसके बारे में सत्य क्या, जो कि क्या कथन असत्य है? अब असत्य जो कथन है इसका आपको चयन करना है, तो इसका जो इसमें जो असत्य कथन है वो है आपका बी वाला, मध्य प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य जो बीमा योजना नहीं तैयार की गई है, तो ये जो कथन है ये असत्य है, और बाकी के जो सभी कथन है ये आपके सत्य है। तो पढ़ लीजिएगा एक बार, मध्य प्रदेश में के समस्त सेवारत अधिकारी कर्मचारियों को उनके परिवार के बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की गई है। स्वास्थ्य की सेवाओं तथा उनके परिवारों को सामान्य रूप से 5 लाख रुपये तक तथा गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मासिक प्रीमियम अंशदान राशि न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये है, जो शासकीय सेवक के वेतन से कटेगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा काफ़ी IMP है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अनिल धीरूभाई जो अंबानी है का समूह द्वारा आयुध फैक्ट्री लगाई जाएगी?
यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह द्वारा आयुध फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो कौन सा जिला है ये आपका, ये आपका जिला है शिवपुरी। शिवपुरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा आप यहीं पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप रेगुलर चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।